बाय द वे ये है मेरी थ्री। चलो आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं एज जर्नी। आज मैं यात्रा करने वाला हूँ बांद्रा टर्मिनस से धोला जंक्शन तक। और ट्रेन की बात करूँ, ट्रेन का नाम है 12971 जो बांद्रा से भावनगर तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। हाँ, ये रूट आपने देखा रहेगा मेरे वीडियो में, पर आज आपको जनरल कोच का एक्सपीरियंस मैं दिखाने वाला हूँ। जनरल कोच में कैसा माहौल है कैसा नहीं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी जनरल कोच तो खुले नहीं है, जनरल कोच खुलते तभी आपको मिलता हूँ। मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, 7:10 का टाइम है इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम, और मैं कुछ तो 5 बजे आ गया हूँ। बहुत जल्दी जगह के वजह से, जगह अभी इस ट्रेन में कहते हैं कि बहुत भीड़ होती है। अभी क्या पता क्या होगा, मेरा वीडियो भी मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखूँ। हाँ, इस बात के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि वॉइस में थोड़ा ब्रेक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा माइक टूट गया है इसलिए, तो इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, कंटिन्यू करके रखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ना कुछ बताऊँगा मैं जरूर, क्योंकि इंडियन रेलवे में क्या है, क्या माहौल है जनरल कोच का, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ ही देर के बाद हमारे जनरल कोच के डोर खुल गए, अभी चलते जगह पकड़ने। ना दोस्तों, पूरा कोच खाली खाली है अभी, क्योंकि गाड़ी का बोर्डिंग टाइम तो अभी बाकी है। मेरे ख्याल से अभी 7:10 को अभी बोर्डिंग टाइम होगा। थोड़े समय के बाद मैंने अपनी सीट ढूंढ ली, आगे रही मेरी सीट में बैग रख के मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो पहली बार मैं जनरल कोच को इतना खाली देख रहा हूँ। मुझे भी खुद को विश्वास नहीं हुआ कि जनरल कोच इतना खाली है भाई। अभी क्या बता, हमें तो सीट मिल गई है भाई, दूसरों का पता नहीं। हमें तो मस्त विंडो सीट मिल गई है, और विंडो सीट से उठूंगा भी नहीं, एक बार उठा तो सीट गई। आपको स्टेशन दिखाने की कोशिश करूंगा, अहमदाबाद है ये मेन स्टेशन। बस बने रहिए वीडियो में, ट्रेन भी अभी लगी नहीं है क्योंकि ट्रेन अभी आ गई है। मैंने देखा 3 नंबर पे, तुरंत ही ट्रेन में चढ़ गया। अभी देखो, इधर बांद्रा टर्मिनस में आपको शॉप भी मिलेगी, मेरे ख्याल से शॉप भी है, ये खाना भी ले सकते, पर थोड़ा चलना पड़ेगा आपको। वहाँ पे ही आगे एक शॉप है, वहाँ से मैंने अमूल कूल भी ले लिया। थोड़ी गर्मी है इसलिए, जनरल कोच में तो बहुत गर्मी है भाई, गर्मी इसलिए मैंने अमूल कूल ले लिया। कुछ 30 रुपये का पड़ेगा, पर यार वहाँ पे मेरे इधर तो 25 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 30 रुपये का, 5 रुपये बढ़ा दिए लोगों ने। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, भाव भी बढ़ेंगे और लोग भी कैसे कैसे आएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देख रही है, आप मेरे साथ जर्नी कर रहे हैं, और वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, कि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। और हाँ, इस बात के लिए सॉरी क्योंकि यूट्यूब में मेरे वीडियोस आ नहीं रहे थे, क्योंकि ये ना मेरा मन उड़ गया था, वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे और बढ़ नहीं रहे थे। फिर मेरे मन ने मेरे को मनाया और मेरे को वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन किया। अभी चलते हैं, चलिए। दोस्तों,
तो हमारी ट्रेन में ये लोकोमोटिव लगेगा, मेरे ख्याल से वेव 7 था वडोदरा शहर का। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ जो लोकोमोटिव गया अभी वो लोकोमोटिव कौन सा था। अभी ट्रेन का टाइम भी नहीं हुआ है, लोकोमोटिव भी लगेगा अभी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो चलिए आपको इस ट्रेन का बाथरूम दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवेज का बाथरूम जो मिरर है पूरा चकाचक है, और देखिए पानी भी मेरे ख्याल से आता रहेगा, पानी भी आता है और बाथरूम अभी साफ है। अभी देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखते होता है क्या, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो ये देखिए जनरल का सीटिंग मैनेजमेंट ऐसा है। मेरे काफ़ी देर बैठने के बाद मैं चला गया बाहर घूमने, सीट ना जाए इसलिए सीट पे बैग रख के बैग घूमने चला गया। हेलो दोस्तों, तो अभी लाइट आई है हमारी ट्रेन में और अभी 6:30 बजे है और अभी ट्रेन चली थी 7:10 को टाइम है। वो मैंने आपको कितनी बार बता दिया होगा इस वीडियो में, 7:10 को ट्रेन निकली और गर्दी भी थोड़ी थोड़ी होने लगती है और गर्दी होगी। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये हमारी ट्रेन, ये डीजल लोकोमोटिव और उसके पीछे हमारी ट्रेन। अभी ट्रेन का डिपार्चर टाइम तो नहीं हुआ है, ट्रेन का डिपार्चर टाइम होता है तभी मैं आपको मिलता हूँ। अभी ट्रेन में लाइट भी आ गई है, मैं थोड़ा इंजन का भी कनेक्शन हुआ रहेगा मेरे ख्याल से, वेब 4 या वेब 7 रहेगा शायद। देखिए ना बांद्रा टर्मिनस कितना खूबसूरत है, उसके सामने है दूसरी ट्रेन और मेरे सामने जो खड़ी है वो कानपुर एक्सप्रेस है जो हम सफर रेक के साथ चल रही है और हमारी ट्रेन LHB रेक के साथ चल रही है। तभी डिपार्चर टाइम पे मिलता हूँ आपको, तब तक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कभी से बोर हो रहा हूँ मैं क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही। अभी चाय वाला मेरे पास से गुजरा चाय के लिए, पैसे नहीं, ट्रेन चल नहीं रही, चाय के लिए पैसे नहीं, कभी तो करूँ क्या मैं। एनीवे ट्रेन चलती है तभी आपको मैं मिलता हूँ। बाय द वे, बड़ी देरी के बाद हमारी ट्रेन ने बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर दिया है और मैं इस प्रस्थान को देख के बड़ा ही खुश हुआ और बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि बड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन निकली। बाय द वे, ये है मेरी फैमिली, क्योंकि इन्हें इंट्रोड्यूस कराना इतना ज़रूरी नहीं होगा, हालांकि अपने अपने काम पे ये लोग व्यस्त हैं और अभी जनरल कोच भी थोड़ा खाली है। मैं सोच रहा हूँ अगले स्टेशन में मेरा क्या होगा क्योंकि अगले स्टेशन में भीड़ पूजा और ना मेरी आपसे मुलाकात भी हो पाए। तो अभी अगले स्टेशन का वेट करते, मिलते बोरीवल स्टेशन। मंजिल है अलग मगर चलना सबको साथ, हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। सीट कंफर्म होने की खुशी जैसे एग्जाम किया हो पास, ना भी कंफर्म हुई तो जनरल डिब्बे में है चांस। सरक सरक कर लोगों ने एक्स्ट्रा जगह बनाई, वेटिंग लिस्ट वालों को भी कंफर्म सीट दिलवाई। एडजस्ट करने का यहां सबके पास खिताब है, हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ट्रेन का हो या घर का, दरवाजे तक सब छोड़ने आते हैं। जब तक न चल पड़े गाड़ी तब तक खिड़की से ही बतियाते हैं। चढ़ न सका कोई तो एक हाथ नजर आया, लाओ मैं रख देता हूं कहकर सबका सामान टिकाया। मदद करने में यहां हर कोई उस्ताद है, हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। बड़ी देरी के बाद हमारी ट्रेन बोरीवल स्टेशन पहुंच चुकी थी। इस स्टेशन में हमारी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है, 5 मिनट से भी ज़्यादा हमारी ट्रेन खड़ी है यहाँ। मैं बड़ा उदास और अपने ख्यालों में खोया हुआ इस ट्रेन के कोचिस को और जनरल कोचिस की भीड़ को देख रहा हूँ क्योंकि आज मुझे सोने नहीं मिलेगा। थोड़ी छन भंगुर ये दुनिया थोड़ी थे थर है, तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है।
दुनिया थोड़ी छन भंगुरी ये दुनिया थोड़ी थेथर है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है। मुझे सोने तो मिल गया था पर नींद नहीं आ रही थी। सर भी बहुत दुख रहा था। बाय द वे हमारी ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पहुंच गई है। अहमदाबाद स्टेशन के बाहर तुरंत ही मैंने चाय का जुगाड़ किया। मजे से मैं चाय पी रहा था। चाय पीते पीते और स्टेशन को देखते देखते हमारी ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया था। तुरंत ही मैं कोच में चढ़ गया और अपनी सीट में आके बैठ गया। A few moments later. कुछ ही समय के बाद तुरंत ही सुबह हो जाती है। हम प्रस्थान कर रहे थे गर्भी गुजरात। 5 बजे थे और अंधेरा दिख ही नहीं रहा था। हमारी ट्रेन बड़ी तेजी से चलते चलते अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने आ रही थी। ऐसे तो मैं उठ तो गया था पर सोया हुआ उठा क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी मेरी। ऐसे ही खड़खड़ाते चल चलाते हमारी ट्रेन गुजरात के अनगिनत स्टेशनों से रुकते रुकते हमारी ट्रेन चल रही थी और मैं इन स्टेशनों का रुख देख के बहुत भावुक होता। हमारी ट्रेन ने धोड़ा स्टेशन पहुंचा दिया है। और मेरा जनरल का एक्सपीरियंस बताओ तो ये बार मेरा जनरल का एक्सपीरियंस बहुत नहीं अच्छा गया, मतलब टिक गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जनरल कोच में मुझे सोने मिला है और विंडो के भी सीट मिली है, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्टेशन में गया था डायरेक्टली, मतलब जिधर से बोर्ड होती है वही स्टेशन में गया, तभी मुझे मान सीट मिली। और पहली बात वो कि ये बार ट्रेन थोड़ी खाली थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी मेरे ख्याल से स्कूल और कॉलेजेस खुल गए इसलिए, और ट्रेन भी अच्छी थी। और हाँ, एक छोटी सी घटना भी हुई थी जब ट्रेन बोरीवली से निकली थी, तभी एक लड़की का कुछ तो पैर भी कट गया था बाहर जो बैठे थे तब। अभी तो मेरे पास वो वीडियो है नहीं क्योंकि स्थिति ऐसी थी और लड़की भी दर्द से तड़प रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं निकाल पाया। पर एक तरह से कहा जाए वो लोगों की गलती थी क्योंकि इतनी फास्ट ट्रेन में डोर के बाहर नहीं बैठना चाहिए। मैं रेलवे से वही कहना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक डोर जरूर लें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तभी आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।